वाले गैर सरकारी संगठनों को दिए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सोमवार को डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार साल 2005, 2006 और 2007 के लिए कुल चार संस्थाओं को प्रदान किए गए। The directive principles of state policy enshrined in our constitution list of that the state shall strive to promote the welfare of the people. Government of India, through the programs and policies, has engineered the major direction of change in public policy by its focus on inclusive development. Government is committed to the development of the weaker and vulnerable sections of our society. साल 2005 के लिए पुरस्कार मिजोरम मिथाई विडोज एसोसिएशन और पीपल्स फोरम भुवनेश्वर दो संस्थाओं को संयुक्त रूप से दिया गया। परित्यक्त अनाथ और जरूरतमंद बच्चों की सुरक्षा के काम में लगी संस्था सुमंगली सेवा आश्रम को साल 2006 के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। रेड लाइट इलाके में निसहाय महिलाओं के पुनर्वास के लिए काम कर रही अहमदनगर की संस्था स्नेहालय को साल 2007 का पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत में एक नहीं अनेकों डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख की तरह हमारी महिलाएं हैं जिनके अंदर वो एक शक्ति है, वो प्रबलता है। बहुत प्रबलता से देश में महिलाओं के प्रति जो जागरूकता अभियान चलाना है और जो उन्होंने शिक्षित बनाने की कोशिश की, आज हम जैसे राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, आज के समय में हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कारों की स्थापना केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने भारत की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर की थी। इसके तहत महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए बढ़िया काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को हर साल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। मंजीत ठाकुर,